मेरे प्यारे दोस्तों, एक कहानी आपके लिए। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज भी आपके सामने एक सुंदर सी कहानी लेके आए हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी। हमारी कहानी इस प्रकार है। एक बार राम और लक्ष्मण एक सरोवर में स्नान के लिए उतरे। उतरते समय उन्होंने अपने अपने धनुष बाहर तट पर गाड़ दिए। जब वह स्नान करके बाहर निकले तो लक्ष्मण ने देखा कि उनके धनुष की नोक पर रक्त लगा हुआ था। उन्होंने भगवान राम से कहा, भ्राता, लगता है कि अनजान में कोई हिंसा हो गई है। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला वहाँ एक मेंढक मरणासन में पड़ा है। भगवान राम ने करुणावश मेंढक से कहा, तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी? कुछ हलचल छटपटाहट तो करनी थी, हम लोग तुम्हें बचा लेते। जब सांप पकड़ता है तब तो तुम खूब आवाज़ लगाते हो, धनुष लगा तो क्यों नहीं बोले? मेंढक बोला, प्रभु, जब सांप पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूँ। एक आशा और विश्वास कहता और वह रहता मेरे दिल में, प्रभु अवश्य पुकार सुनेंगे। पर आज देखा कि साक्षात भगवान श्री राम स्वयं धनुष लगा रहे हैं तो किसे पुकारता? आपके सिवा किसी का नाम याद नहीं आया, बस इसे अपनी सौभाग्य मानकर चुपचाप सहता गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी यही हमको सिखाती है कि सच्चे भक्त का लक्षण हर क्षण भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे स्वीकार करते हैं। सुख और दुख ये सब अपने कर्मों का फल है। जो भी मिलता है हम भगवान पर दोष ना डालकर अपने कर्म के अनुसार सच्ची भक्ति में जब रहेंगे तो हमें सच्चा फल मिलेगा। इसी तरह इसी के साथ एक हमें और एक कहानी जुड़ा हुआ है। इस कहानी के साथ एक बार कर्म और दौलत ने सोचा, चलो देखते हैं कौन बड़ा है। दौलत ने एक गरीब आदमी को मोहरों की थाली दी। आदमी घर पहुंचा तो थैली दीवार पर रख कर ही भूल गया। जो पड़ोसी ने देखा तो उसने उठा ली। अगले दिन दौलत ने उसे एक हीरा दिया ताकि वो आदमी दौलत को अच्छा माने, अपने जीवन भाग्य माने। लेकिन आदमी ने हीरा जब जेब में डाला और पानी पीने लगा झरनों में, तो पानी पीते पीते तो झरने में वो हीरा गिर गया। जैसे हीरा गिरा तो वहाँ एक मछली तैर रही थी, तो मछली ने उस हीरा को खा लिया तो उसके पेट में चला गया और वो आदमी उदास होकर घर चला गया। अगले दिन कर्म ने कोशिश की और उस आदमी को दो पैसे दिए। आदमी ने मछली खरीदी तो जब मछली काटी तो उसमें हीरा निकला। आदमी खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। पड़ोसी ने सुना और सोचा कि इसे पता चल गया होगा कि मोहरों की थाली मेरे पास है, तो उसने थैली को उस आदमी के घर में फेंक दी। थैली पाकर आदमी बहुत खुश हो गया और दौलत हार गई और कर्म जीत गया। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर हम कर्म श्रेष्ठ करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलता है और हर कर्म का एक फल मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। वो कहते हैं ना, करते चलो सबका भला तो होगा सबका भला, खुद का भी भला, जग का भी भला और सबका भला। इसलिए जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा फल निश्चित रूप से अच्छा होता है और हमारा जीवन भी अच्छा होने लगता है। तो इसी के साथ एक सुंदर सा गाना, कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े ना फिर पछताना, पड़े ना फिर पछताना, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े ना फिर पछताना, पड़े ना फिर पछताना।
कर्म करो भाई, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।